हे गाइस वेलकम बैक। तो इस बार हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सी इंडियन कार ये हिल को चढ़ सकती है इजीली। तो बेसिकली मैंने ये हिल बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा और डेंजर हिल है ये। तो बेसिकली हम लोग ये सारे इंडियन कार्स जो है, जैसे कि महिंद्रा थार से लेके XUV 700, हम लोग ये सारी गाड़ी को आज टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी हिल पे चढ़ पाएगी इजीली। तो बेसिकली लाइनअप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गाड़ियाँ हैं टोटल। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं XUV 700 से। ये तो लेटेस्ट गाड़ी है, तो देखेंगे ये वाली गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी कि नहीं। तो आप देख ही सकते हो ये हिल कितना डेंजर है, देखने में कितना डेंजर लग रहा है ये। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग XUV 700 को लेके ये हिल चढ़ पाती है कि नहीं। फिलहाल तो चढ़ गई है इजीली, पहला वाला राउंड तो क्लियर कर दिया। अरे बाप रे बाप, बड़ी भाई आगे का बम्पर टूट गया लगता है। अब ये सबसे डेंजर वाला है, अरे बाप रे बाप ये भी गई। ये सबसे डेंजर है, ले इसको चढ़ना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं। अब देख सकते हो 19 के स्पीड पे थोड़ी अटक चुकी है और ये ऊपर जाने को रो रही है। मेरे को नहीं लगता पूरी जान निकल चुकी है, लेकिन देख फिर भी जा रही है। अभी स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रही है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म। मुझे डाउटफुल है अभी ये चढ़ पाएगी कि नहीं अभी ऊपर। अब देख ही सकते हो स्पीड गई पूरी जीरो पे हो गई है अभी स्पीड, अभी धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब यार शायद इसकी जान निकल गई, तो ये मुझे नहीं लगता चढ़ पाएगी। एक और बार हम लोग ट्राई करेंगे नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके देखो। आप देख सकते हो आगे से पूरी हालत ख़राब हो गई है इसकी। अभी फ़िलहाल तो 30-26, मुझे नहीं लगता इस बार भी चढ़ पाएगी ये गाड़ी। इंजन विंजन ना फट जाए इसका, मुझे डाउटफुल है चढ़ पाए कि नहीं। अब देख सकते हो ये इस बार भी नहीं चढ़ पाई, ऑलमोस्ट पहुंच ही गई थी फाइनल स्टेज पे, लेकिन ये यहाँ पे जाके अटक जाती है। तो मुझे नहीं लगता ये XUV 700 चढ़ पाएगी। तो आई थिंक हम लोग को अभी अपने नेक्स्ट कार की ओर बढ़ना चाहिए। तो गाइस अभी अपनी नेक्स्ट गाड़ी है फॉर्चूनर, तो देखते हैं फॉर्चूनर चढ़ पाते कि XUV 700 तो नहीं चढ़ पाई। तो अभी देखते हैं फॉर्चूनर का क्या हाल होता है। भाई इसका हैंडलिंग थोड़ा बहुत भारी गाड़ी है, तो मुझे डाउटफुल है चढ़ पाई, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे इसका क्या आता है। अरे बाप रे, तो गाइस देखते हैं फॉर्चूनर ऊपर चढ़ पाती है कि नहीं। फर्स्ट हिल तो मेरे हिसाब से क्रॉस करनी चाहिए, फर्स्ट हिल इजीली क्रॉस कर दिया है। अभी बारी आती है सेकेंड हिल की, सेकेंड हिल भी इजीली क्रॉस कर दिया है। और ये अभी आते हैं हम लोग मेन ट्रैक की ओर, मेन हिल है ये, इस पर देखते हैं चढ़ पाते कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि भी बैटरी डाउन होते जा रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी एक चढ़ते जा रही है ऊपर। आई थिंक सो ये चढ़ पाएगी, बिकॉज अभी भी स्पीड बची हुई है कम से कम, और ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो फॉर्चूनर ने कंप्लीट कर दिया है ये ऑलमोस्ट। अरे एक और हिल है भाई, ये तो हो जाएगा, वो अगर पार हो गया तो ये तो ईजी था। तो आप देख सकते हो फॉर्चूनर ने अपना ये वाला हिल क्लाइम कर लिया है ईजिली तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्लाइम कर दिया। तो फॉर्चूनर पास हो चुकी है ये टेस्ट में। तो अभी बढ़ेंगे हम लोग अपने अगली गाड़ी की ओर। गाइस हमारी अगली गाड़ी जो है वो है टाटा की इंडिका। तो इंडिका में देखते हैं हम लोग क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी हल्की गाड़ी है, तो शायद चढ़ जानी चाहिए ऊपर, लेकिन फिर भी अपने को पता नहीं, अपने को ट्राई तो करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट हिल और सेकेंड हिल तो मेरे हिसाब से कोई भी क्लाइम कर लेगा। आई थिंक ये भी क्लाइम करनी चाहिए, फर्स्ट हिल तो इजीली हो चुका है क्लाइम। अभी जाते हैं सेकंड पे, सेकंड भी हो जाएगा आराम से, सेकंड भी हो गया है। अभी बढ़ेंगे, अरे बाप रे बाप। अभी करेंगे थर्ड हिल को, जो ये सबसे डेंजर वाला हिल है, इस पे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वाली गाड़ी नहीं चढ़ने वाली ऊपर, जा रही है धीरे धीरे, लेकिन आई डाउट ये चढ़ पाएगी। अब देख सकते हो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है इसकी, लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं पहुंच पाएगी ये। आप देख सकते हो पूरी जान निकल चुकी है गाड़ी की, अभी फुल एक्सीलेटर देने के बावजूद ऊपर नहीं जा रही, अभी धीरे धीरे पीछे जा रही है। तो इसका भी पूरा बैंड बच गई है भाई, ये वाली भी गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी ऊपर। आप देख सकते हो आगे से थोड़ी डैमेज है। तो गाइस ये वाली गाड़ी तो नहीं चढ़ पाएगी ऊपर, तो हम लोग इसको वापस लेके जाएंगे अपने पार्किंग पर। ये है जीप की गाड़ी, अब देखते हैं जीप चढ़ पाती है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ये वाली चढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी
काफ़ी मस्त है और इसका पिकअप भी बहुत तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो ये वाली गाड़ी तो चढ़नी चाहिए। फॉर्च्यूनर चढ़ सकते तो इसको तो चढ़ना ही चाहिए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा यहाँ पे स्लो कर देता हूँ ना तो इसका बम्पर टूट जाएगा। अरे भाई सेकंड पे चढ़ चुकी है और अब आता है फाइनल हिल, देखते हैं इस पे चढ़ पाते हैं कि नहीं। अब स्पीड तो काफ़ी तगड़ी है इसकी, धीरे धीरे कम हो रही है स्पीड, लेकिन मेरे हिसाब से तो चढ़ जाएगी। अरे चढ़ गए, क्या बात है भाई, जीप भी चढ़ गए, ये तो हिल कोई भी क्लाइम कर लेगा। तो अभी तक जीप और फॉर्चुनर दोनों ने ये हिल क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी और दोनों ये टेस्ट में पास हुए हैं। अब देख सकते हो फॉर्चुनर और जीप दोनों साइड में खड़ी कर डालते हैं। तो गाइज़ अभी हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की, जो है i20 Hyundai की। तो अब देखते हैं ये वाली गाड़ी चढ़ पाएगी कि नहीं। ये गाड़ी काफ़ी हल्की है और थोड़ी सी मॉडिफाइड है, तो शायद से ये चलनी तो चाहिए, लेकिन इसका पिकअप काफ़ी तगड़ा है तो मेरे हिसाब से चढ़नी चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसका हाल। फर्स्ट हिल पे जा रही है अभी 70 के स्पीड पे, तो मेरे हिसाब से तो ये तो इजीली क्रॉस होनी चाहिए। अभी बढ़ेंगे सेकंड हिल की और अरे बाप रे बाप, सेकंड हिल पे थोड़ी, अरे सेकंड हिल पे इसकी बैंड बच गई भाई, सेकंड पे बैंड बच गई, शायद बम्पर के वजह से, पता नहीं क्या सीन है, बम्पर टूट चुका है इसका। तो गाइज ये वाली गाड़ी की तो पूरी लग गई, ये चढ़ ही नहीं रही है ये वाले ट्रैक पे, बम्पर वम्पर सब टूट चुका है इसका। अरे निकल गए भाई फाइनली, अबे चढ़ जा भाई सेकंड वाले में। तो गाइज ये सेकंड भी नहीं पार कर पा रही है, आप देख सकते हो पूरी जान निकल गई है इसकी। तो गाइज आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल तो तीन गाड़ी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और फिलहाल सिर्फ दो ही कार्स ने ये ट्रैक पार किया हुआ है, बाकी के तीनों डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। आप देख सकते हो इनकी कहते हैं हमारी नेक्स्ट कार की ओर, जो है वैगनार गेम में, देखते हैं अभी। फर्स्ट हिल को क्रॉस करेंगे पहले हम लोग, फर्स्ट हिल इजीली क्रॉस हो चुका है, अब बढ़ेंगे सेकंड हिल की ओर। सेकंड हिल पे थोड़ी कठिनाई से पार किया, अब बढ़ेंगे फाइनल हिल की ओर, ये सबसे खतरनाक वाला हिल है, देखते हैं इस पे तो चढ़ रही है फिलहाल तो अच्छे से। अभी बैटरी डाउन हो रही है भाई धीरे धीरे इसकी, आप देख सकते हो टायर पूरे घिस रहे हैं, इंजन पे पूरा लोड आ रहा है, पूरा एक्सीलेटर देने के बावजूद अरे अपने आप पलटी मार ली भाई। तो गाइस सेकंड ये वाले हिल जो है सेकंड हिल उसने क्रॉस किया, लेकिन थर्ड हिल में आते आते प्रॉब्लम हो गई। तो गाइस आप देख सकते हो 9 में से 4 गाड़ी तो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है और फिलहाल सिर्फ 2 ही गाड़ी है जो क्वालिफाई कर चुकी है अभी तक। अभी पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर, जो है स्विफ्ट, तो देखते हैं स्विफ्ट कर पाती है कि नहीं, ये देखते हैं ये पार कर पाएगी कि नहीं। तो पहले हिल पे जाते हुए अब देख से 70 के स्पीड पे है ऑलमोस्ट, और ये फर्स्ट हिल तो पार कर दिया इजीली, अरे बाप रे बाप। सेकंड पे पहुँचते हुए थोड़ा मुश्किल हो रही है इसको चढ़ने को, तो सेकंड हिल पे आते ही अटक गई, सेकंड हिल नहीं पार कर पा रही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक और बार ट्राई करेंगे यहाँ से, तो सेकंड हिल देखते हैं, अरे पार करते हुए सेकंड हिल पार कर दिया है इसने सेकंड ट्राई में पार हो चुका है। अब बढ़ेंगे थर्ड पे, ये सबसे खतरनाक हिल है, देखते हैं इस पे पहुंच पाती है कि नहीं। तो आप देख सकते हो स्पीड कम हो रहा है धीरे धीरे, इंजन पे लोड आ रहा है, फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ, टायर पूरे घिस रहे हैं और ये नीचे आ रही है गाड़ी और ये पलटी मार ली ऑटोमेटिकली। तो मेरे हिसाब से ये वाला हिल मुश्किल है, इस गलती से स्विफ्ट पानी में गिर चुकी है पार्किंग करते के टाइम पे। तो बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर, जो है सफारी, टाटा की सफारी, तो देखते हैं टाटा की ये वाली गाड़ी ऊपर पहुँच ये हिल क्लाइम कर पाती है कि नहीं। तो फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं सफारी के साथ, तो आप देख सकते हो फिलहाल 40 के स्पीड पे चढ़ रही है फर्स्ट हिल पे और ये 70 के स्पीड पे पहुँचते हुए फर्स्ट हिल तो इजीली क्लाइम कर दिया है। अब जाएंगे सेकंड हिल की तरफ, सेकंड हिल पे थोड़ा मुश्किल बढ़ रही है भाई, सेकंड हिल पे नहीं जा पा रही है, आप देख सकते हो सेकंड हिल पे नहीं, सेकंड हिल क्रॉस नहीं कर पा रही है, वापस ट्राई करेंगे सेकंड हिल। तो गाइस सेकंड हिल नहीं कर पा रही है ये क्रॉस, सेकंड हिल, अरे पूरी बैंड बच गई भाई इसकी तो सफारी की। तो गाइस सफारी भी आप देख सकते हो सफारी भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और इसका तो बहुत ही बेकार हाल हो गया, वहाँ पे पूरी की पूरी बम्पर वम्पर सब पूरा डैमेज हो चुका है इसका, तो क्वालिफाई किया है। तो बचती है हमारी लास्ट कार जो है महिंद्रा थार, तो अब देखते हैं महिंद्रा थार ये हिल को क्रॉस कर पाती है कि नहीं।
मेरे हिसाब से तो ये क्रॉस करनी चाहिए बिकॉज ये इसके लिए बनी हुई है और 4x4 है, तो मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे, देखते हैं। तो अभी पढ़ते हुए 70 के स्पीड पर मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑलमोस्ट 80 के पहुँच गई है और ये फर्स्ट हिल क्रॉस कर चुकी है। अब बढ़ेंगे सेकेंड हिल पर, तो सेकेंड हिल पर चढ़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत लेकिन ईजीली कर दिया क्रॉस। अब ये फाइनल हिल जो सबसे ख़तरनाक है, देखते हैं इस पर क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत ही स्मूथली चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी गाड़ियों की तरह आराम से चढ़ गई है, तो ईजीली चढ़ गई, एकदम ईजी। तो गाइस सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से थार ही चढ़ी है। थार के बाद मेरे हिसाब से जो दूसरी गाड़ी मुझे लगी वो है अपनी जीप, और उसके बाद फॉर्चूनर। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट जो रैंकिंग जाएगी वो है महिंद्रा थार, उसके बाद आती है हमारी जीप और उसके बाद फॉर्चूनर। आप देख सकते हो आउट ऑफ 9 ये 3 गाड़ी ही क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी सारे जो गाड़ी थे उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। आप देख सकते हो उनको कितना प्रॉब्लम आ रहा था चढ़ने के लिए। तो गाइज मेरे हिसाब से ये 3 विनर्स है आज के लिए, आपको मैंने रैंकिंग तो बता ही दिया ये तीनों में से सबसे बेस्ट कौन थी। तो गाइज इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे, मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय।